अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम और कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। सो आगे फर्दर इसके क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सम आर डिफरेंस, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे तो उनका हम सम और डिफरेंस हम किस तरह लेंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 3 + 2 iota + 9 - 3 iota। सो हमने जनरली बात की थी कि जब रियल वाले रियल के साथ हम ऐड कर देंगे और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे, सेम इसी तरह डिफरेंस में भी हम करेंगे। सो अब ये आ जाएगा, अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो सिंपली ये आ जाएगा 3 + 2 iota + 9 - 3 iota। अब सिंपली हमने क्या करना है कि 3 + 9 रियल वाले रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट वाले इमेजिनरी पार्ट के साथ हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 9 + 2 iota - 3 iota। तो ये आ जाएगा 3 + 9 = 12 आ जाएगा, और प्लस तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा, तो 12 ± iota। वही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग कर लिया। ये थी हमारे पास सम की। सेम इसी तरह डिफरेंस का हम देखते हैं, डिफरेंस में भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है। ब्रैकेट को जो है वो हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 4 iota + 4 - 4 iota। रियल वाले रियल के साथ और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग करेंगे, ये 4 iota - 4 iota आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ इधर रियल पार्ट जो है वो रिमेनिंग में बचा है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 5 iota - 3 + 4 iota - - 2 + iota। अब अगर देखा जाए तो हमने तो ऊपर सिर्फ 2 के साथ डिफरेंस फाइंड किया था, ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 के साथ आ गया। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर लेना है। सिंपली हमने ब्रैकेट को ओपन किया, 2 - 5 iota - 3 - 4 iota + 2 - iota, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अब सिंपली हमने क्या किया है, रियल पार्ट को रियल के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो अलग कर लिया, और सिंपल हमारे पास 1 - 10 iota, ये वाला हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस सम और डिफरेंस का भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट का, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट, अब हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट का क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 2 + iota - 3 - 2 iota। आसान सा तरीका है प्रोडक्ट को फाइंड करने का, अगर हम सपोज कर लें ये ए है और ये बी है, सेम इसी तरह ये सी है और ये डी है, तो हम क्या करते हैं, यानी कि फर्स्ट को पहले हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड एलिमेंट को भी सेकंड एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 3, पहले मैंने किया, फिर इसी तरह मैंने 2 - 2 iota कर लिया, सेम इसी तरह iota × 3 यानी कि 3 iota आ जाएगा, और फिर इसी तरह ये आपने सिंबल्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और iota × -2 iota आ जाएगा। अब सिंपल मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरे पास -4 iota, ये मेरे पास 3 iota आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 2 iota². अब iota स्केयर की वैल्यू हमें पता है वो हमारे पास -1 होती है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - iota। सेम इसी तरह इसका रियल पार्ट जो है वो 8 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -iota यानी कि -1। अब सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास √6 + iota, फिर √6 - iota, सेम इसी तरह √6 × √6 आ जाएगा, फिर इसी तरह √6 - iota आ जाएगा, फिर इसी तरह √6 आ जाएगा और iota − iota आ जाएगा। तो इसका इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, इसमें हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन।
जब डिवाइड में हमारे पास आ जाए, फाइंड ईच क्वेश्चन. सेम इसी तरह जो मैंने ऊपर बात की थी, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने फाइंड किया था, ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, ये भी तो क्वेश्चन की फॉर्म में है ना, तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया. सेम इसी तरह हमने इसको भी, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे. सेम वही चीज़ हम करेंगे, 6 + 2 iota. अब ये वाला जो डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस और माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से. अब सिंपल वही, ये 6 + 2 iota मल्टीप्लाई 1 - 2 iota आ जाएगा. अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - b² वाला. अब बिल्कुल ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया था कि 6 × 1 and 6 × -2iota, 2iota × 1 and 2iota × -2iota, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - 2iota. 2 जो है वो इसका रियल पार्ट है एंड -2 इसका इमेजिनरी पार्ट है. आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच पावर ऑफ अयोटा. अयोटा क्या जो क्वेश्चन है उसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है. हमें पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और सिर्फ अयोटा की वैल्यू हमारे पास स्केयर रूट -1 होती है. अच्छा, अब ये क्वेश्चन, अब अयोटा 25, अब ये इसकी वैल्यू का हमें पता लगाना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है. अच्छा, अगर देखा जाए अयोटा 25 है तो अयोटा 24 + 1, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा. मीन्स के 24 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो 25 हो जाएगा. अब अलजेब्रिक फॉर्म में हमें पता है कि जब बेसिस हमारे पास सेम होती हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं, तो ये अयोटा 24 और अयोटा इसके पावर 1 आ जाएगी मेरे पास. अब अयोटा 24 है, ठीक है. अब मुझे इस फॉर्म में जो है वो अयोटा की वैल्यू चाहिए ताकि मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 इजीली पुट कर सकूं. तो 12 को 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जाहिर सी बात है 24 आ जाएगा, तो ये अयोटा एज इट इज आ जाएगा. अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 पुट कर दूंगी, ये 12 आ जाएगा, ये अयोटा एज इट इज आ जाएगा. अब अगर आप ये देखें कि ये 12 है, यानी कि ये इवन है, हमारे पास जो पावर है वो इवन है. लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, इवन पावर और ऑड पावर. अब हमें पता है कि ये पावर हमारे पास इवन है तो डेफिनेटली ये वाली जो चीज़ है आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा और अयोटा एज इट इज आ जाएगा. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा आ जाएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा -13. ये तो हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है. अब यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ अयोटा -13 तो -14 + 1, यानी कि 14 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही आएगा, -13 आएगा. तो वही एज इट इज अयोटा जो हमने इधर किया था, अयोटा -14 और ये अयोटा आ जाएगा. सेम उसी तरह 2 - 7 आ जाएगा अयोटा, यानी कि 2 × 7 = 14 आ जाएगा, यानी कि -14 आ जाएगा. अब -1 और -1, अब पावर कौन सी आ गई है मेरे पास, ऑड की आ गई है, तो इट्स मीन कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली मेरे पास -1 ही आएगी. अयोटा एज इट इज चलता आ रहा है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा. क्लियर. इसी तरह अगर यहाँ पे होता 15, ठीक है, तब हम क्या करते, 15 है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, -16 and +1, ठीक है. तो वो यहाँ पे 8 हो जाना था, तो इवन पावर आ जानी थी, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाना था, तो अयोटा की वैल्यू आ जानी थी. क्लियर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.